अल्कोहल या शराब का सेक्स पे किस प्रकार का असर पड़ता है, इस बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है, मैं कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। ऐसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि अल्कोहल ड्रिंक करके, शराब पीने के बाद वो बेटर सेक्सुअल एक्टिविटी कर पाते हैं। कई लोगों को लगता है कि वो थोड़ा सा नर्वस कम हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है या फिर टाइमिंग बढ़ जाता है, तो उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में इसका फ़ायदा ना होकर नुकसान ही होता है। ऐसा पाया गया है कि अल्कोहल जो है वो आपका जो, देखिए सेक्स के दौरान होना क्या है, दिमाग से आपके शरीर में, जेनाइटल्स में, लिंग में एक मैसेज जाना होता है, जिसके बाद इरेक्शन होता है, फिर अराउजल होता है। अल्कोहल जो है वो आपके दिमाग को थोड़ा दबा के इस मैसेजिंग को ख़राब करती है, तो इंसान को कई बार अराउजल फील ही नहीं होता। दूसरा, अल्कोहल एक डिहाइड्रेंट है, डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट होता है उसका बॉडी में, और कोई भी चीज़ जिसका डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट है वो ब्लड के फ्लो को कम करेगी, और ब्लड का फ्लो कम होने पे इरेक्शन ख़राब हो सकता है। तीसरी चीज़, फीमेल्स में जो महिलाएं होती हैं उनमें अल्कोहल की वजह से कई बार वेजाइना में जो ड्राइनेस हो जाती है, और उससे भी सेक्स में दिक्कत हो सकती है। और दोनों ही, मेल और फीमेल में, दोनों में ही ऑर्गेज़म तक पहुँचना या फिर फाइनल स्टेप तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है अल्कोहल की वजह से। तो अल्कोहल का मोटा मोटा ओवरऑल देखा जाए तो असर ख़राब ही पड़ता है। जिन लोगों में स्टार्टिंग में अच्छा असर पड़ता है उनमें ही बाद में आके ख़राब ही पड़ता है। तो मेडिकल सलाह यही है कि किसी भी नशे के सहारे सेक्सुअल एक्टिविटी ना की जाए। अगर वो एक दो बार आपको हेल्प कर भी देगी तो बाद में जाके नुकसान ही करेगी। दोस्तों, मीसॉल्स का प्लेटफॉर्म बनाया इसलिए गया है ताकि हम सेक्सुअल समस्याओं के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा पाएँ, और अब आप, अगर आप चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।